hello everyone this is harish kumar and i hope that you must be enjoying happy life and you must be staying at home so stay home and be safe because i am providing you everything related to your needs and today i am here to provide you the summary of act 4 and scene 1 from merchant of venice and the setting of the scene is the court of venice when shylock has taken antonio for the execution of his penalty and the characters present in the scene are antonio bassanio shylock duke of venice Gresciano, and all other friends of bassanio antonio and the attendants of the court so this scene starts the summary of the scene i am explaining now So the summary begins from here. Act 4 and scene first. And this is uh, it is an extract and it is spoken by Shylock. When the Duke of Venice asks Shylock to show mercy upon Antonio, he gives so many reasons. And there are some reasons given here by Shylock. He says, Affection मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ़ वॉट इट लाइक्स और लोड्स ही सेज़ द मिस्ट्रेस ऑफ पैशन कहता है जो पैशन है जो इंसान की खुद की उमंग है जो उसकी फीलिंग्स हैं तो वो उसके मूड पर डिपेंड करती हैं उसके मूड से कंट्रोल होती हैं कि इंसान का मूड क्या लाइक करता है और क्या हेट करता है लोड मीन्स हेट करता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ इंसान के मूड के ऊपर डिपेंड है तो कि उसे आ, किसे पसंद करना है और किसे नफरत करना है जब वेनिस का ड्यूक उससे ये कहता है कि आप इस पर क्यों मर्सी शो क्यों नहीं कर रहे हैं इतनी नफरत क्यों है तो वो सिर्फ यही रीज़न देता है सो कैन आई गिव नो रीज़न नॉर आई विल नॉट मोर देन अ लॉज्ड हेट एंड सर्टेन लॉडिंग आई बियर एंटोनियो ही सेज आई कैन गिव नो रीज़न कि मैं कोई रीज़न नहीं देना चाहता कि मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश ही क्यों चाहिए कहता है नहीं मैं दूंगा कोई रीज़न क्योंकि जो लॉस्ड हेट है नफ़रत है लोधिंग और हेट दोनों सेम चीज़ें हैं कि जो नफ़रत है एंटोनियो के ख़िलाफ़ उसी की वजह से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और ये जो लूज़ कर रहा है एंटोनियो जो भी उसने लूज़ किया है जो भी वो टाइम पर पैसा नहीं चुका पाया है उसकी वजह से मैं ये सूट फॉलो कर रहा हूँ आई यू आंसर्ड तो वो जज से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ये है मेरा जवाब तो ये छोटा सा एक्स्ट्रैक्ट है एंड द समरी बिगिंस फ्रॉम हियर इन वेनिस कोर्ट कन्विंस फॉर एंटोनियोस ट्रायल एंटोनियो के ट्रायल के लिए यानी एंटोनियो पर केस चलाने के लिए मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट बुलाई जाती है द ड्यूक ऑफ वेनिस ग्रीट्स एंटोनियो एंड एक्सप्रेसिस पिटी फॉर हिम कॉलिंग शाइलॉक एंड इनह्यूमन मॉन्सटर हो कैन समन नीदर पिटीनॉ मर्सी जो वेनिस का ड्यूक होता है वो ग्रीट करता है यानि उसे हेलो हाय वो करता है एंटोनियो के लिए और ये भी कहता है कि एंटोनियो तुम्हारी हालत देख कर मुझे बहुत तरस आ रहा है जिस चक्कर में तुम फंस गए हो उस बॉन्ड की वजह से तो मुझे तरस आता है और शाइलॉक को वो इन्हीूमन मॉन्स्टर भी कहता है कि जो शाइलॉक है बहुत ही इन्यूमन है और वो मॉन्स्टर है जो ना तो पिटी और मर्सी को फॉलो करता है जिससे ना मर्सी पिटी दोनों सेम वर्ड हैं कि वो कभी भी दया नहीं दिखा सकता किसी पे वो ऐसा इन्यूमन मॉन्स्टर है यानी सभी लोग इस बात को समझते हैं कि एंटोनियो बस एक बॉन्ड की वजह से इस मुसीबत में फंसा

और जो उसके मैलिशियस इंटेंसन्स हैं जो उसके गलत इरादे हैं उनसे बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की एंड दैट सिंस नथिंग एल्स कैन बी डन एंटोनियो विल रिस्पॉन्ड टू शाइलॉक्स रेज कहता है कि अब कुछ तो किया ही नहीं जा सकता इसलिए जो और शाइलॉक का रेज है जो उसकी नफरत और गुस्सा है वो सिर्फ एंटोनियो ही रिस्पॉन्ड करेगा एंटोनियो ही उसको डील करेगा क्या करना है विद अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट यानी वो सिर्फ अपनी अब स्पिरिट पर बिलीव करता है कि बस शांति से सब कुछ हो जाए भले ही मौत भी आ जाए तो चुपचाप ही हो जाए मैं चुप ही रहूंगा शाइलॉक सब कुछ नहीं कहूँगा द ड्यूक समन्स शाइलॉक इन टू द कोर्ट रूम एंड एड्रेस हिम सो द ड्यूक कॉल्स शाइलॉक इन द कोर्ट रूम एंड ही एड्रेसेज हिम एंड ही कॉल्स हिम सेंग दैट ही बिलीव्स दैट शाइलॉग मीन्स ओनली टू फ्राइट इन एंटोनियो बाई एक्सटेंडिंग दिस ड्रामा टू द ब्रिंक ऑफ परफॉर्मेंस तो ड्यू क्या कहता है कि मेरा ये मानना है कि शाइलॉग सिर्फ एंटोनियो को डराना चाहता है एक्सटेंडिंग दिस ड्रामा और ये जो ड्रामा कर रहा है शाइलॉग टू द ब्रिंक ऑफ परफॉर्मेंस यानी बिल्कुल कोर्ट में ला लास्ट पॉइंट पर यह बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा है कि सिर्फ एंटोनी को डराना चाहता है एक मोटी रकम लेने के लिए यानी तीन हजार का दोगुना या तिगुना वसूलने के लिए ये शाइलॉक सिर्फ नाटक कर रहा है वो ये सोचता है ड्यू फिर ड्यू क्या कहता है वन बिलीव्स दैट शाइलॉक एक्चुअली मीन्स टू इन्फ्लिक्ट सच अ हॉरिबल पेनल्टी ऑन एंटोनियो यानी कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि शायलॉग रियल में इन्फ्लिक्ट करना चाहता है ऐसी हॉरिबल पेनल्टी को यानी वास्तव में इतनी खतरनाक पेनल्टी एंटोनियो पर डालना चाहता है कि उससे एक पाउंड मास का टुकड़ा लेगा ऐसी बात पर कोई कौन विश्वास करेगा क्या मिलेगा उसे एक पाउंड मांस का टुकड़ा लेकर हु हैज़ ऑलरेडी सफर्ड द लॉस ऑफ इज शिप्स यानी उसे तो पहले से ही बहुत कुछ नुकसान हो चुका है उसके सारे शिप्स डिस्ट्रॉयड हो गए सभी पानी में डूब गए किसी का पता नहीं है तो किसी को यकीन नहीं होगा कि शायद एक पाउंड मास का टुकड़ा उससे लेगा चाय रिएट्रेट्स हिज इंटेंशंस रिएट्रेट हिज इंटेंशंस यानी वो अपने इंटेंशंस को दोहराता है और कहता है दैट शुड द कोर्ट डिनाई हिम हिज़ राइट सिट सिटीज वेरी लॉज एंड फ्रीडम्स विल बी फॉरफीड। कहता है कि अगर कोर्ट उसके राइट को उसके जस्टिस को मना कर देता है कोर्ट अगर मुझे इंसाफ नहीं देगा तो जो सिटी की पूरे शहर का जो लॉ है और जो फ्रीडम है वो सब कुछ खतरे में आ जाएगा कहता है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो फिर आगे इंसाफ को कोई भी मानने वाला नहीं होगा बेनिस में शायलॉक ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन फॉर हिज इंसिस्टेंस अदर देन टू से दैट सर्टेन हैट्रेट्स लाइक सर्टेन पैशंस आर लॉस्ड डीप विदिन अ पर्सनस हार्ट शायलॉक गिव्स नो एक्सप्लेनेशन वाई ही वॉन्ट्स टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्राम एंटोनियोज बॉडी ही गिव्स नो एक्सप्लेसन ही जस्ट सेज दैट आई हैव सम हेट्रेट्स ऑन लोदिंग एंड पैशंस जो बिल्कुल दिल में समाई हुई हैं उसके शायलॉग के कहता है बिल्कुल दिल में चुभ गई हैं एंटोनियो की बातें इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है जैसा बिहेवियर इसने मेरे साथ किया है सिर्फ उसकी वजह से मैं ये सब कुछ करूँगा And for him, that is reason enough. कहता कि एंटोनियो का एक मास का टुकड़ा लेने टुकड़ा लेने के लिए who has arrived from Belmont, attempts to argue with Shylock, but Antonio tells him that his efforts are for naught. Bassanio has come from Belmont, and now he is discussing with. शायलॉग बट एंटोनियो टेल्स डेट योर एफर्ट्स विल बी फॉर नथिंग कहता है कि तुम्हारी कोशिशों का कोई भी फायदा नहीं है बस एनियो इसलिए शायलॉग से कोई बहस मत करो हैट्रिट एंड प्रिडेशन एंटोनियो सजेस्ट कम एज नेचुरू सम मैन एज द डू टू दुल्फ एंड एंटोनियो सेज कि और प्रेडेशन है, हैड यानी नफरत और जो शिकार करने की भावना है कि कुछ लोगों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऐसे आती है जैसे भेड़ियों के अंदर होती है तो कहता है कि जो फीलिंग्स शैलोक के अंदर हैं बिल्कुल भेड़िए वाली फीलिंग्स हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा वैसे नहीं ऑफर शैलॉग सिक्स थाउजेंड द कैट्स ही पेज सिक्स थाउजेंड कैट्स वो छः हज़ार पाउंड का ऑफर रखता है वैसे नहीं ओरिजिनल लोन ओरिजिनल कितना था तीन हजार और यहाँ पर वो छ हजार देने का ऑफर रखता है. But, Sherlock denies, Sherlock कर देता है लेने के लिए वो कहता है कि सिर्फ मास्क का टुकड़ा ही चाहिए और कुछ नहीं शायल टर्न्स डाउन दी ऑफर से वुड नॉट प्रॉफिट इज वॉन्ड फॉर सिक्स टाइम्स दैट्स सम तो शाइलॉग उस ऑफर को टर्न डाउन कर देता है ठुकरा देता है कहता है कि वो अपने बॉन्ड को तब भी नहीं छोड़ेगा जब उससे छः गुना रुपया दिया जाएगा छः गुना डकेट्स दिए जाएंगे यानी अठारह हज़ार भी उसे दिया जाए तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिर्फ बॉन्ड में जो कुछ लिखा हुआ है वही लेगा वन द ड्यूक आस्क शाइलॉक हाउ ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव मर्सी वेन ही ऑफर्स नन तो ड्यूक उससे मर्सी दिखाने के लिए भी कहता है शाइलॉक से कि अगर तुम ही किसी पर मर्सी शो नहीं करोगे दया नहीं दिखाओगे तो तुम्हें कैसे मिलेगी शैलोक रिप्लाइज दैट ही हैज़ नो नीड फॉर मर्सी एज ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग शैलोक कहता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है मुझे मर्सी की ज़रूरत ही नहीं है किसी की दया की ज़रूरत ही नहीं है मैं क्यों दया दिखाऊं जस्ट एज द स्लेव ओनिंग क्रिश्चियंस ऑफ वेनिस वुड रिफ्यूज टू शेयर दिया ह्यूमन प्रॉपर्टी फ्री कहता है जिस तरह से क्रिश्चियंस हैं वेनिस में और उनकी बहुत सारी स्लेव्स हैं ह्यूमन स्लेव्स हैं उनके ग़ुलाम हैं और जिस तरह से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने ह्यूमन प्रॉपर्टी को यानी अपने गुलामों को आज़ाद नहीं कर सकते उसी तरह शाइला अपना पाउंड एक मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ सकता कहता है क्योंकि जो एक पाउंड फ्लैश है वो बिलोंग करता है मुझे यानी मैं उसका मालिक हूँ विल नॉट रिलिंक मिस विल नॉट लीव the duke says that ही हैज सेंड messages टू द learned lawyer डॉक्टर बेलारियो आस्किंग हिम टू कम एंड डिसाइड ऑन द मैटर ड्यूक कहता है डॉक्टर बेलारियो के एक लेटर भेजा गया है और उनसे आने के लिए बोला गया है इस मैटर पर डिसीजन लेने के लिए और उधर पोर्शिया डॉक्टर बेलारियो का लेटर लेकर आती है कि डॉक्टर बेलारियो बीमार हैं वो नहीं आएंगे और उनके बदले मैं आई हूँ दिस इज द मैटर न्यूज़ कम्स डेट अ मैसेंजर हैज़ अराइव फ्रॉम बेलारियो और न्यूज़ आती है कि बेलारियो से यानी डॉक्टर बेलारियो की तरफ से एक मैसेंजर आया है एंड सेलैरिनो रन ऑफ टू फेच हिम और उसे लेने जाता है सेलेरिनो मीन वायल वेसन ट्राइज विदाउट मच सक्सेस टू चीयर ऑफ द डिस्पेयरिंग एनटोनियो और बेसैनियो एंटोनियो को चेयर करने की यानी उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है उसकी डिस्पेयरिंग यानी उसकी निराशा को दूर करने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है उसमें नरिसा इंटरस्ट डिजगाइ अ लॉयर्स क्लर्क नेरिसा आ जाती है ही डिस्गाइज में एक लड़के के कपड़े पहनकर वकील के क्लर्क के रूप में एंड गिव द लेटर टू द ड्यूक फ्रॉम बेलारियो और बेलारियो से जो लेटर मिलकर लेटर आया होता है वो ड्यूक को देती है पोर्शिया ने पहले ही डॉक्टर से लेटर लिखवा लिख लिया था कि आप नहीं जाएंगे मुझे भेज देना शाइल वेट्स हिज नाइफ एंटिसिपेटिंग जजमेंट इन हिज फेवर और शाइल होता है वो अपनी नाइफ़ को शार्प कर रहा होता है धार को तेज कर रहा होता है अपने जूते से रगड़ कर जूते पर जो लेदर होता है ना नाइफ को कुछ लोग लेदर से शार्प करते हैं तो सिर्फ शार्प कर रहा होता है और एंटिसिपेट यानी उसकी उम्मीद होती है कि जो तो जजमेंट है उसके फेवर में ही होगा एंड ग्रेशियानो हिम ऑफ हैविंग द सोल ऑफ अ वुल्फ और ग्रेशियानो अक्यूज़ करता है शाइलॉक के कि उसके अंदर एक भेड़िए की आत्मा घुस गई है एंड शाइलॉक और शाइलॉक ऐसे स्लर्स को यानी ऐसे अक्यूज, अक्यूज को और यानी इग्नोर कर देता है और रेजोल्यूटली एक ही बात कहता है आई स्टैंड हेयर फॉर लॉ कहता है कि मैं सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ द ड्यूक एल्यूट्स टू द फैक्ट दट बेलारियोज लेटर मैंशन लर्नड यंग लॉयर नेम्ड बाल्थाजर तो ड्यूक क्या कहता है कि एक फैक्ट आया है बेलारियो की तरफ से बेलारियो के लेटर में कि एक लर्नड यंग लॉयर आया है उसका नाम बाल्थाजर है बाल्थाजर पुरुष का सर्वेंट होता है लेकिन वो नाम पोर्शिया ने ख़ुद रख लिया होता है पोर्शिया एज अ लॉयर अपने नाम बालथजर रखती है एंड ऑर्डर्स द डिजाइज नरिसा टू एडमिट द यंग मैन टू द कोर्ट और नरिसा भी एक लड़के के भेष में कपड़े पहनी हुए होती है और वो नरिसा से कहता है कि जो तुम्हारे वकील साहब हैं उनको अंदर ले आओ कोर्ट में द ड्यूक देन रीड्स द लेटर इन इट्स एंटायरिटी और फिर ड्यूक उस लेटर को पढ़ता है सबके सामने इन इट बेलारियो राइट्स दैट ही इज़ इल एंड कैन नॉट कम टू कोर्ट जैसे रियल कोर्ट रूम्स में होता है आजकल चाहे बरेली कोर्ट में देख लो कहीं और कोर्ट में देख लो कि कभी कभी वकील बहाना बनाते हैं नहीं मैं साहब बीमार हो गया हूँ मैं नहीं आ सकता डेट पे जब उन्हें डेट बढ़ानी होती है लेकिन यहाँ पर पोर्शिया को भेजा गया बट दैट ही हैज सेंड द लर्नड यंग बालताजर टू जज इन हीज स्टेड लेकिन लेटर में ये लिखा हुआ था कि अपनी जगह पर उन्होंने बहुत ही लर्निड और काबिल वकील को भेजा है जिसका नाम बाल है बालथाजर पोर्शिया का सर्वेंट था लेकिन यानी पोर्शिया ने अपना नाम बाल लिख लिया है क्योंकि वो कपड़े पहने हुए थे एक लड़के के टू जज इन रजिस्टर्ड यानी बाल की और डॉक्टर बेलारियों की जगह पर पोशिया आई थी उसको देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये लाइन वन सिक्स थ्री तक की एक्ट सम है और इससे आगे की समरी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा और आई होप दैट यू मस्ट कम्प्लीट योर वर्क अप टू एक्ट फोर एंड सीन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग यू सम क्लासेज रिगार्डिंग स्टोरीज एंड पोएम्स थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे